बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सिक्स क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 8.1 और क्वेश्चन है हमारा सातवां। तो सातवां हमारा क्वेश्चन क्या है, दी गई मतलब संख्या रेखा जो है उन पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो एक संख्या रेखा इन्होंने दे दी है, तो चलिए अपनी संख्या रेखा जो है वो बना लेते हैं। इन्होंने एक कौन सा क्वेश्चन है, सातवां हमारा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कर दिया है भाई, इन्होंने एक संख्या रेखा दे दी है। देखो ये हमारी क्या है, संख्या रेखा है इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ पे जीरो है, इधर हमारे माइनस एक माइनस दो। जीरो के इधर साइड में हमारा माइनस होता है, इधर साइड में हमारा प्लस चलता है, ठीक है। तो ये एक हम पहले यहाँ पे बांट लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से हमारी संख्या रेखा दी गई है, ठीक है। इस तरीके से संख्या रेखा जो है वो हमारी दी गई है। ठीक है, अब ये क्या है, इनके बीच में 10 पॉइंट बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारा हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इस तरीके से मैंने सबके दस दस भाग कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या, इन्होंने पहला जो दिया है जीरो पॉइंट ए वाला जो इन्होंने दिया है, जीरो पॉइंट एट दिया है। यहाँ पे जीरो है मतलब इसने एक को पार ही नहीं किया है, यहाँ पे जीरो है मतलब इसने एक को पार ही नहीं किया है। यहाँ पे कौन से नंबर पे है, एट पे है, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। मतलब यहाँ पे है ये जो 0.8 है वो यहाँ पे है 0.8, ठीक है, एक से पहले है। तो ये हमारे किसके निकट है, एक के निकट है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह जीरो और एक के बीच है तथा एक के अधिक निकट है। किसके अधिक निकट है, जीरो के अधिक निकट है कि एक के अधिक निकट है, तो आप कहोगे एक के अधिक निकट है। कैसे अधिक निकट है, क्योंकि ये एक के पास में है ना, तो एक के अधिक निकट है, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। फिर अब हमारा दूसरा क्या है, जो बी वाला है वो है 5.1, क्या है 5.1। अब 5.1 दिया है, तो 5 हमारा कहाँ है, यहाँ है, 5 के बाद 1 मतलब 5 के बाद पहला, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5.1। ये 5 के अधिक निकट है ना, इसके पास में 6 अधिक निकट है कि 5 अधिक निकट है, 5 अधिक निकट है, और बीच में किसके है, 5 और 6 के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह 5 और 6 के बीच में है तथा 5 के अधिक निकट है, ये लिख दिया हमने, ओके। अब हम अपने सी वाले पे चलते हैं, तो सी वाला जो है वो है 2.6, 2.6 है, तो 2.6 मतलब यहाँ पे आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, तो हमारा यहाँ पे आया 2.6। अब ये दो के ज़्यादा पास में है कि तीन के ज़्यादा पास में है, दो तीन के ज़्यादा पास में है ना, ठीक है, तो तीन के अधिक निकट है, और किसके बीच में है, दो और तीन के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह
दो और तीन के बीच में है तथा किसके अधिक निकट है? तीन के अधिक निकट है। इस तरीके से हम अपना लिख देंगे। फिर हमारा डी वाला आएगा। डी में क्या है? 6.4, 6.4 है तो हम यहाँ पे आगे भी बढ़ा लेते हैं। 6.4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 6.4 यहाँ पे लिख दिया हमने। ये 6 के अधिक निकट है ना, और 6 और 7 के बीच में है, ठीक है, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह 6 और 7 के बीच में है, ठीक है, और किसके अधिक निकट है? 6 के अधिक निकट है। इस तरीके से ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने 9.1 दिया है, तो 9.1 तो इसमें अभी बन नहीं पाएगा, और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि 9 तक जाएगा, तो कोई बात नहीं। 9 जो है, 9.1, 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9.1 के लिए क्या लिख देंगे हम? यह 9 और 10 के बीच में है, और 9.1 है ना, 9.1, अगर 5 से ज़्यादा है तो हम कह देंगे 10 के निकट है, लेकिन 5 से कम है ना, 9.1 है ना, 1 है तो मतलब 9 के अधिक निकट है, तो हम ये लिख देंगे यह 9 के अधिक निकट है, ठीक है। फिर हमारा ई वाला क्या है? ई जो है वो है 4.9, क्या है? 4.9, तो ये 4.9 कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा हमारा 4.9। अब ये किसके ज़्यादा? 5 के पास में है ना, और 4 और 5 के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह 4 और 5 के बीच में है, ठीक है, और 5 के अधिक निकट है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, इस तरीके से हमारा संख्या रेखा पे ये जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, और आपको जो भी देखना है, आपकी जो क्लासेस देखनी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो क्लासेस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट में पहुंच जाइएगा। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा, और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा, ठीक है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको, और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे कैसे विजिट करना है और कैसे क्या प्लेलिस्ट में जाना है। इसके लिए आपको सर्च बार में जोजस स्टडी टाइप करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल का लोगो दिखेगा, जिस पे आप टच करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल जो चैनल की है वो खुल के आ जाएगी। जब आप वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रिसेंट वाली वीडियोस जो हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपके सामने प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी कुछ, फिर आपको एरो दिखेगा जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो कुछ और प्लेलिस्ट आ जाएंगी, फिर आपको व्यू 30 मोर दिखेगा जिस पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने सारी जो भी जितनी प्लेलिस्ट हैं सब खुल के आ जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको चाहिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की, आपको सारी प्लेलिस्ट जो हैं वो मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट की क्लासेस। फिर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पे जाने के वक्त आपको हमारे कुछ चैनल्स दिखेंगे अदर्स, जैसे कि जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट, जोजस स्टडी 9 to 12। इन चैनल्स में है क्या ये आप देख सकते हैं। पहला जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, बच्चों का चैनल है जिसमें बच्चों के लिए वीडियोज़ होंगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी अपने हाथों से बहुत ही कम समय में बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं,
और अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो हमारे इन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें हाथ से बने हुए सुंदर सुंदर घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर चीज़ें, फूल, क्राफ्ट वगैरह ये सब बनाए गए हैं। और अगर आप 9th से 12th क्लास में हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें 9th और 10th 11th 12th की क्लासेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह इन चैनल्स में हमारे यही है, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और आपको जो SW का काम दिया जाता है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।